टीवी चैनल्स ने भी आपका एक वीडियो दिखाया था जिसमें आप एक कसी लेके दौड़ रहे हैं पुलिस के साथ। कसी का जवाब दे, यू है बड़ोते का डेढ़ किला का मालिक की एक खासियत है, इसने एक आंख से दिखा है। कसी वाला बता रहे हो ना जो गोदी मुंडिया अंध भगत दुष्यंत चटाले ने भी दुष्यंत ने भी कहा कि कसी मारोगे तो फूल थोड़ी चढ़ाएगा। मेरी बिया भेज दे, उसके उस भेज दिए। एक आंख से दिखा डेढ़ किला का मालिक, भंडारे में टूल टैक्स बस थाड़ा में सेवा करे, 9 महीने तक लगातार सेवा कर रहा। दान दे जान दे, राई ने रोटी खुआवे, दाल प्यावे, चावल खुआवे। जिस टाइम लाठी चार्ज होया यू अपनी सेवा में मगन था। हम आज लघु सचिवालय है जो करनाल का, वहां पर मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त तो बुजुर्ग मौजूद है। पहले तो जी राम राम, कैसी है तबीयत? अब ठीक है जी, कुछ पहले से ठीक है जी। करनाल प्रशासन ने भी और जो बहुत से टीवी चैनल्स ने भी आपका एक वीडियो दिखाया था जिसमें आप एक कसी लेके दौड़ रहे हैं पुलिस के साथ। कसी का जवाब दे, असल में इसका जब चोट लग गई ना भाई साहब, इसका मुंह पर भी दांत टूट रहे हैं, तो यू कम बोल रहा है। यू है बड़ोते का डेढ़ किला का मालिक, अरे इसकी एक खासियत है, इसने एक आंख से दिखा है। कसी वाला बता रहे हो ना जो गोदी मुंडिया अंध भगत दुष्यंत चटाले ने भी भेजी थी वीडियो, दुष्यंत ने भी कहा कि कसी मारोगे तो फूल थोड़ी चढ़ाएंगे। मेरी बिया भेज दे, उसके उस तो भेज दे, भेज दे चाचा एक मिनट, वाहेगुरु यही भेज दिए। एक आंख से दिखा डेढ़ किला का मालिक, भंडारे में टूल टैक्स बस थाड़ा में सेवा करे, 9 महीने तक लगातार सेवा कर रहा। दान दे जान दे, राई ने रोटी खुआवे, दाल प्यावे, चावल खुआवे। जिस टाइम लाठी चार्ज होया यू अपनी सेवा में मगन था। जी भी यू पानी का डलना आ गया था उस नाली में था, फोड़े गे लिया कसी नहीं फोड़ा था फोड़ा। और इसका भाई है छोटा, उसने पुलिस ने घेर रखा था। जब वो पुलिस उसने मारन लाग रही थी तो इन्हें देखा मेरा सगा भाई, मेरा सगा भाई ने पुलिस घेर रही, जब यू भाग गया। और इसके हाथ में जो फोड़ा था, यू फोड़ा लेकर जो कर उस पुलिस वाला में बढ़िया, इन्हें अपना भाई बचाया और उस फोड़े तय इसने नू करके रखा। तस्वीर नुए है जिस तरह पुलिस वाले लाठी जो मार रहे थे ना फोड़ा पहला जीव नु बता वाला काम कर दिया था अभिमन्यु वाला। भाई साहब आपका सगा भाई हो, आपका था छोटा हो, पुलिस उन्हें पीट रही हो, तो आप बताओ इस माइक ने छोड़कर बचोगे कि नहीं बचोगे, बचाओगे कि नहीं बचाओगे? किसान को मैं कबीला में रहने वाले आदमी मारे, पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, यू खून मारे वो वाला देव है। इसकी बात यह है एक आंख तक जिन्हें ना दिखता हो, जो भंडारे में 9 महीने तक सेवा कर रहा हो, वो पुलिस वाले ने कैसे मारेगा जी? बात तो यही थी ना जी, तस्वीर जो वायरल करी गई थी, वीडियो थी, उसमें देखा होगा आपने पर मन बेरा। गरीब किसान, क्रांतिकारी किसान अपने सगे भाई तो बचाया और इसने एक संदेश दिया है या कुछ भी हो। और गोदी मीडिया आनंद भगता ने तुम्हारा गुरजेंट सरदार है करनाल का, भगत सिंह की टी शर्ट पर है, शरीर पर भगत सिंह छपवा रखा, सारी मूर्तियां जितनी भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सारे ने धोवा है, समाज सेवी है गोदी मीडिया रंद भगत ने बेचारे ने नीचे नीचे कर, यू तो खालिस्तान नहीं है, यू नू है नू है नू है, इनका कुछ नहीं है। इसलिए यह बात सच्चाई की आपके सामने रूबरू दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं। कसी वाला जो मुद्दा था वो शख्स थारे सामने जो एक पोस्टर बने हुए थे जिसमें खून, हाँ हाँ वो ये वही ताऊ है, हाँ यू वही ताऊ है जो वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है, हाँ 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 इनके ऊपर सारा भी, हाँ हाँ सारों ने नहीं भी, हाँ एक ही मुद्दा उन दोनों कसी वाला, पुलिस ने कसी, पुलिस का कसी मारे थे, ईवीयू देख ले इन्हें कितनी कसी मारी होगी, इन्हें केस चलाया होगा, इतना तो ठंडा भी कुछ लगता तो आई देख ले। हाँ अगर जो मैंने कसी ये कसी की डॉक्टरी करवाओ उन पुलिस वाला के मेरे कसी मार रखी, मैंने एकदम आप एक दिन आप पीछे गिरे थे उसके बाद हाथ में पड़े पड़े मारे इसका, मैं जवाब दूं ये कसी चलाने का लायक है पहले तो ये बताओ, ये कसी किसी को मारने का लायक है? ये झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरा जीजा का क्यों इन्होंने सिर पाड़ा, दूसरा जीजा का क्यों शहीद किया, दूसरा जीजा क्यों 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 उन्होंने उनको मारा उनको, अच्छा वो क्या लगते थे इनके क्यों मारा इनको? लेकिन जेकर ज्यादा शौक है ना बसंत चढ़ा बसंत में और खट्टर में, अब आन के देख ले, मैंने चैलेंज दे दिया था वहां पर ही, मैं अब इसको मार के देखो। अनिल भी गृह मंत्री अनिल भी जावा है, चार चार पुलिस वाले ने सस्पेंड करके चले जाओ है, 12-13 आदमी सस्पेंड कर दिए, ये हमारे किसान के मांग रहे हैं, पूरा संसार उसे एसडीएम की
वीडियो देखने लग रहा नुए तो घर पर सस्पेंड कर दो। आखिर इतना पे चढ़ क्यों रहा है, मन तो यू नहीं समझ आ रही है, एस डी एम भी तो सस्पेंड करना है, इतनी जनता परेशान कर दी क्यों बिठा रखे। अरे किसाना की इसमें किस्मत में वाहेगुरु परमात्मा ने मेहनत दे रखी, वो है उसका आर एस एस का भतीजा बड़ा, समझ गया, राजनेता का बढ़िया, हाँ मंत्री है उसका चाचा, तो इस वजह से नहीं सस्पेंड कर रहे। चार दिन पहले हमारे डीसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, उसमें नू कह दिया नू, बोले भाई कोई भी किसान सचिवालय के आगे नहीं आओगे, और सारे बुला लिए हरियाणा के पुलिस वाले। किसान ने सोचा मारे तो बालका पर लाठी लग गई, मारा बालक मर गया, और उसके बाद हमने शिकायत देने खातर सचिवालय के आन नहीं देंदे। यूं गुस्सा बढ़ता चला गया इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत इनके प्रचार के कारण। किसान एक ऐसा है भाई, किसान ऐसा है जो इस देश में जारी लिया हुआ साफ करेगा। जो किसान शब्द खत्म हो गया ना, इस संसार में तबाही तूफान आ जाएगा। किसान शब्द जिंदा रहना बहुत जरूरी है अगर देश विकसित करना है तो। आज भी फंडिंग चल रही है बड़ी, आज सवेरे सुना सेव सूप का लंगर ला, रात दो वकील आए, बड़े बड़े नाम नहीं लेंदा, मैं भी वकील हूँ चैम्बर में, तेन बोला जेपी उरे ना, नोला यार एक सच बात बताई, पैसा आता कहाँ से है। अरे अंधभक्तो, ये गम में तो दूध आ रहा है, हमारे सरदार भाई ने पंजाब हरियाणा भाईचारा इन्होंने जरूर सिखा दिया, तैयार है देने के लिए पैसा, हथियार है, दूध आन लाग रहा, सब्जी आन लाग रही, यह तो चीज सीख गए हमारे किसान भाई। सुखबीर बादल का, बादल परिवार का, सारे राजनेताओं के चैनल भाई साहब, संदीप नहीं होता, 24 वाला नहीं होता, रवीश कुमार नहीं होता, तो भैया हमारा तो कति बता मारता, पाकिस्तानी कह लिया, खालिस्तानी कह लिया, माओवादी कह दिया, नक्सली कह दिया, नकली जाट कह दिया, बलात्कारी कह दिया, तालिबानी कह रहे, किसान एक ऐसा आदमी है जो बस देश ना बचा सके। छोटा पेज बता दो कि सरकार ने भी हो रहा कितना फंडिंग गाँव है, कितना है, एक रागनी गाँव है, बस सारा टोल टैक्स में एक रागनी गाँव है, उसमें 15,000 11,000 21,000 31,000 ऐसे धनराशि इकट्ठी करके दे जाए किसान, ऐसे लंगर चल रहे हैं। हमारे बालक विदेशा में जा रहे, हमारे किसान के बालक विदेशा में जा रहे, वो जितनी कमाई कर रहे हैं और तबे जाए। दूसरी बात हमने तो ये पता लग गया इस किसान आंदोलन में, जो यार सरदार कौम है ये भी किसान है, ये जब पैदा हुआ है इनका बालक है, ये जब इनको है, इनके जितनी 10 किले या 5 किले या जमीन कुछ भी हो है, उसी दिन तो शुरू हो जाए, या हमने भी सीख ली, तो ये दान ही इतना किसानों का, किसानों का ही सब कुछ है यार, किसान हलवा खा रहे हैं, किसान रोटी खा रहे हैं, तो ये कहीं का बचता को नहीं, बचता को नहीं, बस ये बता ले रहे नहीं बचता, बचता को यही तो बचता को नहीं, अपना कह रहे हैं इतनी बातें ना बचता, तो हम क्या कर सका है, नुआ चल लगा पचाना पड़ेगा, समझ गए। युद्ध है भाई, जो तऊ की वीडियो वायरल हुई थी, जो किसान थे जिनके हाथ में आपने जो फावड़ा देखा था, कसी कह रहे हैं जिसको, इनका कहना है वायरल तस्वीरों वाले तऊ हमारे साथ थे, आपने सुनी पूरी कहानी, ये अभी तऊ एक बार और देख लो दोबारा से, और देखते रहो वाणी, करनाल से भूपेंद्र कंबोज, धन्यवाद।